Now, I don't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma. The ball was turning downward. Look at the direction of the ball. It was slightly downward and the batsman was given LBW. This is no doubt it's a wrong decision on the part of the umpire. Rohit Sharma is stretching rather than dancing down the track. Look at the direction of the ball. It's going slightly downward. And he would have been given not out. And to my mind, I can't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma in this one. क्रिकेट में कमेंट्री करना मैंने 1992 में स्टार्ट किया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद। हालांकि पर्दे के पीछे मैं लगातार अनायास लगातार ही मैं पर्दे के पीछे कमेंट्री करता रहा हूं, छोटे स्तर पर अकेले में बचपन से ही मैं करता रहा हूं। 75 में मैंने पहली बार विश्व कप का फाइनल देखा था, मैं क्लास 5 में था और वो दिन मुझे याद है। उस समय मुझे अंग्रेजी बहुत हद तक आ गई थी, मैं उस कमेंट्री को सुनता था, उच्चारण समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी और उसके बाद मेरा ये जो चाहत बढ़ता चला गया। मैं गणित पढ़ता था लेकिन अंग्रेजी के प्रति मेरा रुझान रहा लगातार बना है, आज भी बना हुआ है। आज भी मैं अंग्रेजी के पीछे पागल सा बना हूँ, दीवानापन मेरे अंदर आज भी बना हुआ है। और कैसे का जहाँ तक सवाल है, ये मुझे कैसे कोई निश्चित तरीका नहीं, मेरे बड़े भाई जो आई बॉम्बे में थे उन्होंने मुझे सिखाया कि अंग्रेजी को बहुत मजबूत रखो आज की दुनिया में, अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है और इसके कारण मुझे कई बार गलानी हुई है, इसीलिए मैंने अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दिया है। जहाँ तक इच्छा का सवाल है, मैं क्रिकेट में कमेंटेटर बनना चाहता हूँ, जैसे कि श्रीलंका के दौरे पर जाना, इंग्लैंड के दौरे पर जाना और भिन्न भिन्न देश जहाँ भी मुझे मौका लग जाए मैं उसके लिए बिल्कुल पागल सा बना रहता हूँ। आज भी मेरे अंदर में यह दीवानापन बना हुआ है और न जाने इस दीवानापन का जब भी अंत हो जाए, लेकिन मैं फिलहाल एक निराशा के साथ मैं जीता हूँ। मैं जानता हूँ कहीं मेरी कोई पूछ नहीं है, इसलिए मैं अपने जीवन को भाषाई विकास तक रहता हूँ। विभिन्न देशों के कमेंटेटर्स की जो भाषाई अंदाज है उस अंदाज में अपने आप को ढालता हूँ। इंग्लैंड के कमेंटेटर ऑस्ट्रेलियन बोल रहे हैं, जब हमारे जेफ थॉम्सन बोलते हैं उनका देखिए अंदाज, फिर हमारे अजीब बायकॉट बोलते हैं इंग्लैंड से जो है वो उनका देखिए, इंग्लैंड के ओपनर थे वो। मैं सबके स्टाइल को अंदाज को मैं समझता हूँ, उनकी भाषाई बोले हुए शब्द को मैं ध्यान से देखता हूँ कि किस तरह से वो भाषाई परिप्रेक्ष्य में खेल के संदर्भ उनकी भाषा जो है वो उन्होंने अपने आप को एक तरह से ढाल लिया है। बस इसी तरह से मेरा जीवन चलता चला जाता है। Running in right time over the wicket and the batsman goes down the track to strike it, surely the ball, he missed the line, the ball, look at how he goes down the track and the ball wraps him on his spur just in front of the stick. He was taken in by the seam of the ball kept very low and the batsman taken in by the seam of the ball, even the height of the ball, he's counting LBW.